Just look at the greenery. So hey guys, welcome to the channel once again. मैं आपका दीपक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ एशियन हाईवे 2 में एंड हम जा रहे हैं छोटे से राइड में और हमारे साथ यहाँ पे है अभिषेक भाई। तो बस प्लान हो गया मतलब ऐसे ही एक छोटा राइड में जाने के लिए, मतलब कहीं पे जाने रहे मतलब घुसपुकोड़ साइड में थोड़ा सा जा रहे हैं, 20-25 किलोमीटर है यहाँ से एंड टाइम हो चुका है 4:20, 4:17 हो रहा है। तो घुसपुकोड़ में एक इको पार्क है, बहुत ही नेचुरल सा जगह है, वहाँ पे प्लान किया है लेकिन अभी ये अभिषेक भाई क्या बोलते हैं देखते हैं। और सुभजीत है साथ में मेरा एक दोस्त। तो शाम को मतलब हाईवे में थोड़ा सा ऐसे हवा खाने के लिए निकले हैं राइड में, क्योंकि मतलब हाईवे में चलाने का तो फील अलग ही है, पता ही है आप सभी को। एंड साथ ही ये नया जो GoPro लिया है मैंने Hero 9, इसका भी टेस्टिंग हो जाएगा कैसा फुटेज वगैरह मिल रहा है एंड ये टेस्ट करने के लिए भी। एंड साथ ही साथ क्या बोलते हैं ये GoPro का जो है पूरा किट खरीद लिया मैंने, GoPro Hero 9 मैंने लिया था कुछ दिन पहले, लेकिन आज जो है इसका एडेप्टर ले लिया मैंने, माइक ले लिया, उलान जी का केस ले लिया और एक 4K मेमोरी कार्ड ले लिया। तो बहुत सारा खर्चा हो गया क्योंकि मैंने सोचा कि अब GoPro ले ही लिया है तो फिर मोटो ब्लॉग करूँगा कैसे, बिना माइक और बिना एडेप्टर का तो मोटो ब्लॉग होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि पूरा सेट ले ही लेते हैं। तो पूरा सेट लेके इसको मतलब अभी अभिषेक भाई के घर में, सॉरी सुभजीत भाई के घर में सेटअप किया मैंने, ये ब्लू आर्मर का सारा माउंट वगैरह लगाया, एडेप्टर वगैरह सेट किया, उसके बाद निकल गए मतलब राइड में। तो आशा कर रहा हूँ कि एंगल बहुत सही आ रहा होगा एंड माइक जो है साउंड क्वालिटी वो भी अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि प्लेसमेंट अभी मुझको माइक का पता है नहीं कहाँ पर है। तो चलिए इतना ही था, तो चलिए आगे मिलता हूँ, इस खूबसूरत राइड को एंजॉय कीजिए, शाम का ठंडा ठंडा हवा एंड साथ ही में अभी सनसेट होगा थोड़ा देर में, एंजॉय कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ राइड में एंड मिलता हूँ आगे आपको। अभी है बागडोगरा फ्लाईओवर में, सिलीगुड़ी में गर्मी काफ़ी पड़ चुका है लेकिन वेदर जो है ना बहुत ही साथ दे रहा है, बहुत ही हेजी हेजी सा एकदम कड़क धूप नहीं मिल रहा है जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन गर्मी फील हो रहा है बहुत। क्या मस्त भाई वे, दोनों तरफ चाय पत्ती के बगान हरे हरे एंड ये शाम का टाइम ना, हवा थोड़ा ठंडा ठंडा ही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ग्रीनरी ज़्यादा होने के कारण शहर का तरह जो ह्यूमिडिटी एंड उमस होता है वो फील नहीं हो रहा है एंड ऐसे में बाइक चलाना यार मस्त है। मॉर्निंग और इवनिंग में तो निकलना अभी मतलब बाइक लेके एकदम फिजिबल नहीं है, लेकिन शाम के टाइम ऐसा राइड करना ना मज़ा ही आ जाता है। अभी आगे जाके कहीं चाय वाय पियेंगे एंड फिर बैक कर जाएंगे एंड आशा कर रहा हूँ कि GoPro में अच्छा फुटेज आपको दिख रहा होगा। अब मैं तो जब घर में जाके इसको एडिट करूँगा तब पता चलेगा कैसा फुटेज है, अभी तक तो SD कैम ही यूज़ करते आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ GoPro में एंड ये मेरा फर्स्ट GoPro है, अभी तक मैंने कोई भी GoPro नहीं खरीदा था। अब ब्लॉग में भी थोड़ा सा मतलब वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ होगा हमारा, तो आपको भी अच्छा लगेगा देखने में।
यार ये कौन सा जगह में लेके जा रहे हैं मुझको। जस्ट लुक एट द ग्रीनरी। कौन से गलिये रोड सड़क से लेके जा रहे हैं ये लोग कहाँ मुझको कोई आइडिया नहीं है। ये सारे जो हरा हरा देख रहे हैं पैडी फील्ड्स है, धान का खेती। थोड़ा सा गांव एरिया में आ चुके हैं विलेज साइड में। ओके, तो कोई अच्छा सा रिजॉर्ट या होटल टाइप का ऐसा कुछ में आ चुके हैं। कहाँ आ गए भाई हम लोग? मल्लिक। ये जगह का नाम मल्लिक है। लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। एंड ये है शुभजीत। कितने साल बाद मिले हम लोग? हम लोग तो मिले थे बीच में एक बार, बट हम लोग तो मिले हैं 2018 में। बहुत दिनों बाद मिला सो, एंड इसको तो जानते ही अभिषेक को एकदम एकदम। गाइस चलो चलते चलते हैं। लेट्स हैव सम। जहाँ कहाँ का प्लान था कहाँ आ गए क्या? ये तो इसलिए मैं इको पार्क नहीं बनाते, प्लान बन जाता है। बन जाता है, बन नहीं जाता, बना हुआ रहता है। चलिए चलते हैं अंदर अभी। तो अभी ये वाला कोई लोकेशन है, क्या नाम है इस जगह का? मल्लिक रेस्टोरेंट। हाँ, मल्लिक रेस्टोरेंट यहाँ पे लेके आए भाई लोग। एंड यहाँ पे छोटा छोटा ऐसा जगह बना हुआ है, एक बहुत बड़ा पोंड है यहाँ पे। एकदम मतलब विलेज एरिया में है, बहुत ही शांत एरिया है। एंड चारों तरफ पैडी फील्ड्स है। मतलब ये वाला देखिए आप लोग, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी, पता नहीं चला उसको भी, तो ये देखिए चारों तरफ पैडी फील्ड्स है। एंड यहाँ पे बैठने का है, तो अभी बस यहाँ पे गर्मी का दिन है तो चाय तो नहीं, स्प्राइट ऑर्डर किया। स्प्राइट पीते हैं यहाँ पे बैठ के। देखिए यहाँ पे दोनों भाई बैठे हुए हैं, स्प्राइट आ गया यहाँ पे। एंड स्प्राइट पीते अभी यहाँ पे बैठ के, कूल डाउन होता है गर्मी का मौसम है। चाय वाई बोल के लाभ नहीं है, इसी का आनंद उठाते हैं। खड़ेगा खड़ेगा। तो अभी स्प्राइट खत्म होने के बाद एक दूसरा कोक आ चुका है। बैठा हुआ यहाँ पे एक घंटा हो गया क्या अभिषेक? एक घंटा नहीं, हाँ एक घंटा। इधर हम लोग फील के लिए बैठते हैं, इधर ही बैठेंगे। बस फील के लिए बैठते हैं, क्योंकि जगह देखिए पूरा ओपन स्पेस है, मतलब मज़ा सा आ जाता है बैठने में। तो अब बस ये कोक पी रहे अभी, एंड फिर आधा घंटा जैसा बैठेंगे एंड फिर चल जाएंगे यहाँ से घर वापस हाईवे में राइड करते हुए। तो बस ज़्यादा कुछ तो था नहीं इस ब्लॉग में। आगे का प्लानिंग कुछ बन रहा है क्या राइड का? आगे का देखते हैं अभी। तो तू लोग आएगा गैंगटॉक, इसका हम लोग को प्लान बन रहा है अभी। हाँ, इसका प्लान जब बनता है उसके बाद देखते हैं आगे। आ तू लोग फिर उसके बाद जुलुक वुलुक मारेंगे। हाँ वही बोल रहा था, ये लोग के साथ में जाऊंगा, अकेले तो जा नहीं पा रहा हूँ अभी, दुकान में भी मतलब बिजी रहता हूँ। तो ये लोग आएगा तो जुलुक का प्लान बन जाएगा, उसके बाद निकलेंगे जुलुक की तरफ में। बहुत बहुत माने भाई, बहुत माने। इस ईयर ही बहुत सारा मतलब राइड करने का बहुत प्लानिंग वगैरह किया है। तो जैसे कि बोल रहा था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस ब्लॉग में दिखाने के लिए, बस ऐसे ही गोप्रो लिया तो बस शूट कर लेंगे, निकल गया छोटा सा राइड में आ गए। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। अगर अच्छा लगा ये ब्लॉग तो एक लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिए। तो बस इतना ही था आज के ब्लॉग के लिए, मिलता हूँ आपको दूसरे किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे एखने बाड़ी छेड़ दो ना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।